आर्यवीर इधर ही आ रहे हैं और उनके पास तो वीर चिन्ह भी है। चलिए अनुसंधान परी जाकर देखते हैं। अरे अनुसंधान परी और अन्वेषण परी यहाँ? आर्यवीर, आप वीर चिन्ह को कहाँ ले जा रहे हैं? हम वीर चिन्ह को सुरक्षित स्थान प्रणव लोक में रखने जा रहे हैं, जहाँ जयकाल कभी नहीं पहुँच सकता। लेकिन आर्यवीर, प्रणव लोक का दरवाजा वही बालक खोल सकता है जिसका जन्म प्रथम संवत्सर के प्रथम माह में प्रतिपदा को हुआ हो और वो अपने माता पिता का प्रथम संतान भी, और वो बालक पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। हाँ अन्वेषण परी, वो बालक तो हर 60 साल में उत्पन्न होता है पृथ्वी के किसी न किसी भूभाग पर, और हमें वो नवीन बालक की जो खोज करना है जो इस 60 संवत्सर के प्रथम संवत्सर में हुआ हो, क्योंकि नया बालक जन्म लेने पर पूर्व के बालक की शक्तियाँ युवावस्था में पहुँचते ही निष्क्रिय हो जाती है। आर्यवीर, मैं एक महत्वपूर्ण यंत्र के आविष्कार में लगी हूँ। इस यंत्र से ब्रह्मांड के किसी भी स्थान में जो भी व्यक्ति वस्तु हो उसका पता तुरंत लगा सकते हैं। इसलिए आप अन्वेषण परी के साथ जाकर उस बालक का अन्वेषण कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी। ठीक है अनुसंधान परी, चलो वीरभद्र। ठीक है आर्यवीर, हम चलते हैं। तुम वीर चिन्ह की सुरक्षा में रहना, हम पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं। बाबा जी, कैसे भी हो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये रात के उठ के चलने लगता है बाबा। क्या चाहती हो देवी? ये अजीबो गरीबे हरकते करता है बाबा और रात कर उठ कर चलने लगता है। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई स्वाहा। इस बच्चे को आगे बैठाओ देवी। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई विजय स्वाहा। अच्छा तू आ गया है, बोल तू क्या चाहता है? यदि इस भगवती से इसे छींक नहीं आया तो समझ जाना इसमें भयंकर भूत है। ओम ब्रीम त्रीम चामुंडाई स्वाहा। देखा, इसे छींक नहीं आया, इसमें अवश्य भूत का साया है। इस भभूति से साधारण व्यक्तियों को छींक आ जाती है, नहीं विश्वास है तो ये देखो। ओ ओम ब्रीम त्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम चामुंडा स्वाहा, ओम ब्रीम त्रीम स्वाहा। अब पता चला इसमें सच में भूत है। हाँ बाबा, मेरे बच्चे में से भूत को निकाल दीजिए। इसमें से ऐसे भूत नहीं जाएगा। एक बर्तन में पानी लाओ जल्दी। जाओ भाई पानी लेकर आओ। यहाँ रखो बच्चा, बैठो। ए बच्चे, इस बर्तन में हाथ डालो। हाथ निकालो बच्चा। यदि इस भभूति को पानी में डालने से आग लग गया तो समझ जाना इसमें भयंकर भूत है। ओ ब्रीम त्रीम चामुंडा स्वाहा। देखा, इसमें आग लग गई, इसमें भयंकर भूत है। बोल तू क्या चाहता है, क्या लेगा तू?
देखो इसमें से खून, ये खून का प्यासा है। देखो इस भूत ने 20-20 मनुष्यों का खून पिया है। ये आप सबका भी खून पी जाएगा। इसे जल्दी नहीं रोका गया तो ये सबका सर्वनाश कर देगा। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी इस बच्चे का कोई उपाय निकालिए। ये भूत खून का प्यासा है, इसे पकड़े का बलि चाहिए और 2 बोतल दारू भी चाहिए। ठीक है बाबा, सब कुछ करने के लिए तैयार है। और भूत भगाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा जिसमें 10,000 रुपया की खर्च आएगी। जाओ इन सब चीजों की व्यवस्था करो, नहीं तो भूत सबको मार डालेगी। ठीक है बाबा, हम सब कुछ लेकर आते हैं। बाबा को प्रणाम करो। कल्याण वस्तु, जाओ जल्दी व्यवस्था करो। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। कहाँ है वो बालक? पता नहीं पृथ्वी के किस भूभाग पर होगा। आर्यवीर से पूछती हूँ। आर्यवीर, 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 आर्यवीर। हाँ अन्वेषण परी, बोलिए। आपको वो बालक मिला? नहीं अन्वेषण परी, अभी तक वो बालक नहीं मिला, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, जल्द ही उस बालक का खोज निकालेंगे। हाँ आर्यवीर, मैं भी प्रयास कर रही हूँ।